राहुल गांधी ने यूपी और गुजरात को लेकर बनाया बड़ा प्लान, अंदर की बात आई सामने। क्या है राहुल गांधी का प्लान, बड़ी बात आई सामने। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यूपी और गुजरात को लेकर बड़ा प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिली है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव उसी के साथ आगे की प्लानिंग में जुट गए हैं। राहुल गांधी ने एक फॉर्मूला बनाया है, यूपी प्लस गुजरात बराबर बीजेपी साफ। लेकिन इस बीच ये बात सोचने वाली है कि राहुल गांधी आखिर आजकल यूपी और गुजरात को लेकर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, आखिर वह इन दोनों राज्यों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। गौरतलब है कि 2014 में भाजपा ने जब अपनी सरकार बनाई थी, एक यूपी और दूसरा गुजरात, और इससे लगे राज्यों में भी उन्हें बड़ी सफलता मिली थी। 2014 में उन्होंने अमित शाह को भेज दिया था। 2014 में पीएम मोदी बड़ौदा से भी लड़े और वाराणसी से भी, जिसके नतीजे ये हुए कि यूपी में 80 में से 73 सीट जीते और गुजरात में 26 में से 26, यानी कि उत्तर प्रदेश और गुजरात को बेस बनाकर मोदी और शाह ने अगल बगल के राज्यों को भी अपनी ओर खींचा और कुल मिलाकर 249 सीटें जीती। लिहाजा राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी की तरह इन दोनों राज्यों गुजरात और यूपी को तोड़ने के लिए अपना पूरा फोकस इन पर ही लगाए हैं। बता दें कि दो दिन पहले राहुल गांधी गुजरात गए थे। यूपी में राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर रविकांत ने कहा है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव ने कास्ट सेंसस का मुद्दा, आरक्षण को बढ़ाने का मुद्दा, दलितों का मुद्दा, सोशल जस्टिस का मुद्दा उठा करके माहौल बनाया। उस वजह से दलित और माइनॉरिटी का वोट राहुल गांधी के साथ चले गए।